नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये एमआई का पावर बैंक है जो अमेज़न से मंगाया है मैंने, जिसकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस है 999 रुपये। तो भी हम आपको इनका अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो पहले इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, अमेज़न से मंगाया है। तो भैया ये है पावर बैंक, ये है एम आई पावर बैंक 3i, और ये 10,000 mAh का है, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग भी आता है इसमें। तो पहले इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके साथ एक बिल भी आया है। तो देखिए इसकी प्राइस अभी है 899 रुपये है। आमतौर पर इसकी प्राइस होती है 999 रुपये, लेकिन मैंने ऑफ़र में ख़रीदा था इसलिए मुझे 899 रुपये प्राइस थी, लेकिन उसमें भी मुझे 10% SBI के कार्ड से डिस्काउंट मिला था, इसलिए 89 रुपये उसमें भी डिस्काउंट मिला था। तो मुझे 810 रुपये का पड़ा था, 811 रुपये का। तो अभी पावर बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देख लीजिए, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सील होना चाहिए। मैंने अभी ये खोल के देख लिया था इसलिए मैंने सील तोड़ दिया है। जब भी आप पावर बैंक ले तो इसका सील या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक कोड दिया जाता है, देखिए अगर आप इसको स्क्रैच करके देखेंगे, यहाँ पर एक कोड है। उसको पहले आप है ना MI की जो साइट है, यहाँ पर वेबसाइट भी लिखी है, उस पर वेरीफाई करके देख लीजिए ये कोड, कि ये दूसरी बार तो कोई आपको पुराना वाला तो नहीं भेज रहा है। तो मैंने ये वाला इसलिए लिया क्योंकि इसमें 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन आता है। और सबसे खास बात तो यही है कि ये अगर 10,000 mAh की बैटरी है तो हमारा पावर बैंक है उसमें सिक्योरिटी तो थोड़ी होनी चाहिए, इसलिए इसमें 12 लेयर का चिप प्रोटेक्शन दिया गया है। फिर ये बाकी की जानकारी है, इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। इनपुट और आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 5 वोट 2.1 एम्पियर, 9 वोट 2.1 एम्पियर और 12 वोट 1.5 एम्पियर का इनपुट है, और आउटपुट में 5.1 वोल्ट 2.4 एम्पियर, 9 वोट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का है आउटपुट। इसमें ड्यूअल पोर्ट USB भी चलता है। अगर आप इस पावर बैंक की खासियत है कि इसको आप चार्जिंग में रख के दो मोबाइल एक साथ चार्ज भी कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चर हुआ था अक्टूबर 2021 को, ये लेटेस्ट पीस ही है। एक सील यहाँ पर भी दिया होता है। मेन तो ये है, ये कोड है वो स्क्रैच किया हुआ नहीं होना चाहिए, अगर आप जब नया ले तो। फिर दूसरा तो इसमें जानने वाला है कि इसमें माइक्रो USB टाइप सी चार्जिंग है, सेल कैपेसिटी और ये सब वगैरह दिए है। अभी इसको खोल के देख लेते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो ये सब मैंने बाहर निकाल दिया है, कुछ भी अंदर है। देखिए बक्सा पूरा खाली है, इसे रख देते साइड में। और ये कुछ यूज़र मैनुअल दिया गया है। ये भी पीछे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है वो कोड के बारे में। अभी हम पावर बैंक को ही खोल कर देख लेते हैं या आखिर है क्या। तो ये देखिए, ये हमारा पावर बैंक। इसमें और कुछ तो नहीं है, ये डेटा केबल है। देखिए और कुछ नहीं है। तो पावर बैंक के साथ आपको तीन चीज़ें मिलती है, एक तो यूज़र मैनुअल, एक ये माइक्रो USB केबल। अब MI को टाइप सी केबल देना चाहिए क्योंकि अभी सारे मोबाइल तो टाइप सी वाले ही आते हैं। और केबल की क्वालिटी की बात करूँ तो ये ठीक है, इतना बढ़िया भी नहीं कह सकते और घटिया भी नहीं है इतना लंबा केबल है, छोटा ही केबल दिया है वैसे तो। ये माइक्रो USB केबल है ये वाला। इसको रखते हैं साइड में। टाइप सी दिया हुआ तो काफ़ी अच्छा रहता। अभी मुझे मेरा फ़ोन टाइप सी है, मुझे नया लेना पड़ेगा। अभी ये है भैया पावर बैंक।
इसमें दो कलर आपको दिए जाते हैं, एक तो ब्लैक वाला आता है और एक ब्लू वाला। ब्लैक वाला काफ़ी सिंपल कलर है, वो मैंने नहीं लिया। ब्लू वाले का भरोसा कीजिए, इसकी शाइनिंग बहुत ही बढ़िया है, कलर ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। फ़ोटो में उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपको इसे हाथ में लेंगे तो इसका कलर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई हुई है, तो यहाँ पर आता है एम आई का लोगो और ये मेटल बॉडी का है। बाकी से जो सारे आते हैं वो प्लास्टिक बॉडी के आते हैं। अब ये पावर बैंक कितना भारी भी है, इसका वज़न तो भी पता नहीं मुझे, लेकिन ये 20,000 वो एमएच का था, वो तो बहुत भारी आता है। और ये मेटल बॉडी है इसलिए थोड़ा हैवी तो है, मेटल बॉडी ही लेना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बॉडी अगर गिर जाएगा तो शायद टूटने के चांसेस मुझे लगते हैं। और ये पावर बैंक हमारे फ़ोन के जितना संभाल के नहीं रखते कभी, ये तो गिरता रहता है। ये मेटल बॉडी और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो ये पहले पोर्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए चार पोर्ट दिए गए हैं। ये दो चार्जिंग के पोर्ट हैं और ये USB के पोर्ट दो दिए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, आपको अगर आपको दिखाई देता हो तो, ये input 1 है, ये input 2 है और ये output 2, output 1। और यहाँ पर कितने वोट का चार्जिंग का वो सब लिखा हुआ है। एक यहाँ पर एक ही बटन दिया गया है, दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 mAh, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अभी ये एक मुझे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि ये पावर बैंक इंडिया में बना ही नहीं है, ये सिर्फ यहाँ असेंबल करते हैं ये लोग और मेड इन इंडिया लिख देते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि ये असेंबल इन इंडिया लिखना शुरू कर दे, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है ही नहीं। इसकी बैटरी अंदर से अगर टीयर डाउन के कुछ वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मेड इन चाइना लिखा है, तो ये मेड इन इंडिया नहीं हो सकता। इसका सेल भी चाइना में ही बनता है, उसका प्लांट का भी मैंने वीडियो देखा था। यहाँ पर ये सिर्फ असेंबल ही करके, यहाँ पर चार लाइट दी गई है, शुरू करते हैं हम लाइट को। देखिए जब आप नया भी लेंगे तब भी इसमें चार्जिंग एक ही लाइट जल रही होगी, यानी कि इसमें ये चार लाइट दिखाती है। अगर चारों के चारों लाइट शुरू हो तो ये दिखाती है 100% चार्जिंग है। ये एक लाइट जल रही है मतलब है इसका 25% इसमें चार्जिंग है अभी। ये 50%, ये 75%, ये 100%, ये सब दिखाती है। और इस ये पावर भी मैंने इसलिए लिया कि इसमें लो मोड चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया है, जैसे कि अगर आपके कोई डिवाइस है वो LED लाइट है, या अगर आपकी वॉच है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट बैंड है, वो कुछ चार्जिंग करिए। आप ये खास तो स्मार्ट वॉच और ईयरबड ही आजकल लोग यूज़ करते हैं, वो दोनों को चार्जिंग करना हो तो ये आपके लिए बहुत ही काम का है। तो मैं आपको लो मोड भी चार्जिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक LED लाइट है जिसको मैंने डाल दी है। देखिए अभी ये लो मोड में नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट जलता है और ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन दिया गया है। देखिए अभी ये लो मोड में नहीं चल रहा है। देखिए लो मोड में चालू करने के लिए 2 बार प्रेस कीजिए इसे बटन को। देखिए अभी ये लाइट एक के बाद एक चलना शुरू हो जाएगी। ये लो मोड चार्जिंग है। और इसका ये इस तरह से काम करता है कि ये 2 घंटे तक लो मोड चार्जिंग में आपका चार्ज करके देखा, 2 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में चला जाएगा। अगर मैन्युअली आपको नॉर्मल मोड में डालना हो तो इसको एक बार सिंपली प्रेस कर दीजिए। अब ये नॉर्मल मोड में चला गया। वापस इसको डालना हो अगर लो पावर मोड में तो वापस 2 बार प्रेस कर दीजिए। अब ये लो पावर मोड में चला गया। काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ कोई ऐसा खास नहीं है। और इसका कलर की बात करूँ तो कलर काफ़ी बढ़िया है और मेटल बॉडी एल्यूमिनियम बॉडी दिया गया है और ये काफ़ी अच्छा भी है। मुझे ये 810 रुपये का पड़ा है। अगर इससे ज़्यादा को ज़्यादा की प्राइस में अगर आपको मिल रहा हो तो आप वेट भी कर सकते हैं, उतनी लो प्राइस में भी मिल सकता है और इससे लो प्राइस में भी किसी को मिल रहा होगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट में ऑफ़र आती ही रहती है, लेकिन इसका नॉर्मल प्राइस 999 है, उतने में तो मत ही लीजिए क्योंकि इसकी प्राइस 899 तक होती रहती है।
15-15 दिन में एक आध बार तो ऑफर आ ही जाती है। बाकी पावर बैंक से इसमें अच्छी अच्छी बात तो ये है कि इसमें सर्किट प्रोटेक्शन ज़्यादा गया है, मेटल बॉडी का है, और MI का बैटरी तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा MI का बैटरी चलता है क्योंकि सबसे ज़्यादा। और मैंने इसको चार्ज भी करके देखा है तो अभी मेरे पास जो फ़ोन है वो Asus का है जिसमें 3300 की MAH की बैटरी है, Asus 5Z है। तो उसमें उसको मैंने दो बार फुल चार्ज किया था और एक बार दूसरी बार तीसरी बार जब चार्ज किया तो 25-30% तक ही हुआ। इसलिए इस हिसाब से आपके फ़ोन को आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। और जो 20,000 mAh का पावर बैंक है उसमें मेटल बॉडी नहीं मिलती, याद रखिए, उसमें प्लास्टिक बॉडी ही मिलती है, मेटल बॉडी सिर्फ इसमें ही मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और दूसरे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।